अभी तो मेरा छोटा दुशासन तुझे मात्र और मात्र पकड़ के सभा में लेकर के आया है। बोल हस्तनापुर की मेरी ये सभा कैसी लगी तुझे? जेठ जी, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस भरी सभा के अंदर किस लिए बुलवाया? पांचाली जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये घूंघट, ये पर्दा, अरे किसकी किसकी शर्म कर रही है? आपकी। हटा दे ये पर्दा, क्योंकि तेरी जैसी बोली के तीर मारने वाली औरत का पर्दा अच्छा कोई नहीं लगता। अच्छा, पहचान कर, इसलिए बुलवाया है तुझे हस्तनापुर की सभा में। जिन आंखों को तूने अंधे का अंधा कहकर के बुलाया था, अंधे का अंधा कहकर के बोली के तीर मारे थे, पहचान कर उन आंखों की। बहुत भुंडी सिकल की आंख है। नई बनवा के आया हूँ। चाहे नई बनवाओ या पुरानी रखो, लेकिन तुम्हारी आंख मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे फूटी हुई आंखें, फूटी हुई, और नई बनवाई है। हाँ। थोड़ा साइड में रहे। क्यों? क्योंकि धुआं आ रहा है, आंखों में लगेगा तो दिक्कत होगी। द्रौपदी, ये लाला मेंबर की आंखें नहीं है जो धुएं में कमजोर हो जाएंगी, ये कुरु वंश के युवराज की आंखें हैं। ओहो, कुरु वंश के युवराज। ध्यान से देख, क्षत्रिय कहते हो अपने आप। हाँ। उस दिन तो मैंने सिर्फ आंखों का अंधा कहा था, लेकिन असलियत का तो आज पता चला है कि तुम आंखों के साथ साथ तुम्हारी हृदय की भी आंख फूट चुकी है जेठी। बस आगे जवान मत चलाना, अगर आगे जवान चलाई तो कैंची की तरह चलती हुई जवान का ऑपरेशन कर डालूंगा। कर, अभी छाले हो रहे हैं इसकी जीभ में। मेरी जीभ में? हाँ। मेरी जीभ में नहीं, सरपंच की जीभ में हो रहे छाले। तो मेरी तो जीभ ठीक है, तेरे बस की कुछ नहीं है। चलिए हम यहीं से डॉक्टरी शुरू कर देते हैं। तेरे बस की कुछ नहीं है, तू कहता कहता है जेठ जी, रहेगा तू आंखों का अंधा ही अंधे का अंधा। तो आज परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जा। दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं बनी जो तुझे बचा सके। अरे इतना घमंड करना ठीक नहीं है, अपने आप को भगवान मत मान। घमंड उस रावण का भी नहीं रहा था फिर। अगर मैं भगवान नहीं हूँ तो भगवान से कम भी नहीं हूँ तेरे लिए। ओहो, हाँ भगवान मैं नहीं मानती। तो सुन ले। हेलो, इनकी करे पहचान, पहचान ध्यान ते ले। पहले लिए दवाई के लिए पैसे ले ले। आदरणीय पूर्व मंत्री, हम सबके लाडले और चहेते नेता श्री राम धर्मपाल जी, सावधान, जो हमारे हलके के युवा दिलों की धड़कन हैं, 11,000 रुपए की राशि उन्होंने गौशाला के लिए दान दी है। राम धर्मपाल जी का तालियों से स्वागत, और 1100 रुपए का पुरस्कार अपने कलाकारों के लिए, अपने बच्चों के लिए भिजवाया है। बाबू जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओ रे द्रौपदी, तू ते इनकी करे पहचान ध्यान ते, मन नहीं रे आंख बनवाई तू इनकी करे। Yeah.
समाई होती जैसे भर सबर के झूठे। पहले तो कुछ दिखे था अच्छा ये की कई झूठ। पहले तो कुछ दिखे था अच्छा ये की कई झूठ। दिल्ली में लगा के हाथ आगे न मत को पैरना सन पछला गो यानी ये काटे। आगे न मत को पैरना सन पछला गो यानी ये काटे। हो मने जैसा बोती अभी मने जैसा बोती अभी सरपंच साहब सिकंदरपुर, श्री राम सरपंच साहब सिकंदरपुर, 1100 रुपए का दान गौशाला के लिए और 500 रुपए का पुरस्कार मेरी टीम के कलाकारों के लिए देते हैं। बार बार धन्यवाद हमारे रणबीर मेंबर साहब। अच्छा, आदरणीय अभय नंबरदार जी, श्री अभय नंबरदार जी 500 रुपया हम दोनों कलाकारों के लिए देते हैं। बार बार धन्यवाद। और हमारे रणधीर मेंबर जी शिकोपुर जो हमें बड़ा प्यार करते हैं स्नेह करते हैं, और 100-100 रुपए हम दोनों कलाकारों के लिए। ले द्रौपदी, तेरा जुखाम खांसी सा हो रहा है, कोई कप सिरप ले लिए ठीक हो जाएगी, रणवीर मेंबर ने दिया। मैं तो ले लूंगी, तू ही रख ले इनको। क्यों? थोड़ा दूध घी खा लिए, आंखों का तौर बढ़िया हो जाएगा। आंखों का तौर नहीं त्योर। हाँ, त्योर त्योर समझ गए ना, समझ रहे हो ना। अरे ये 100-100 रुपए, 100-100 रुपए का पुरस्कार हम दोनों के लिए। अल्ले 100 रुपए और ले, आई ड्रॉप लिया ये बढ़िया सी, ये बेरा आंखों के लिए। ए झंडू तू सासन, ये पांचाली बच के। हेलो, ये दुशासन नहीं, मेरा पति भीम है। बोल भाई, दुशासन बनेगा कि भीम बनेगा? हिसाब किताब देख के लगा ले, कुछ तो बोल। भीम बनने में फायदा है। हेलो, बैठ जा, अगर तू भीम बनेगा। हेलो, एक मुक्का लग गया ना, कई दिन तक नहीं उठेगा, जमा तोल देगा। अरे जुए में जीता हुआ है, भीम मुंह कैसे खोल देगा? मुझे इस बात की चिंता नहीं, अपना दिल बहला दे, थारा आपस का रोड़ा है, मेरे वास्ते तो 5 दड़ी लड्डू मंगवा दे। पियाजी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म की बात नहीं है, कैसे मुंह खोल दूंगा, इब तो पराई होली, मैं बीच में क्यों कर बोल दूंगा। इससे तो अच्छा मैं रांड ठीक हूँ, मर जाता तो वही ठीक है। हाँ, रांड धरती पे बोझ ही है, धरती का बोझ बढ़ाया जा रहा है बस। ना ना, बोझ बढ़ाने की बात नहीं, कैसे मुंह खोल दूं, हमने भाई की इज्जत रखनी है, न्यों बता तेरी मेर मैं कैसे बोल दूं। यहाँ यहाँ लुगाई का चीर हरण हो रहा है, तुझे लड्डू खाने की पड़ रही है। देखो, चीर हरण की बात नहीं, जमाने सतांदी है, अब तू हमने जितवा दी, मारी तरफ नहीं आती। जा यहाँ से, डूब के मर जा कहीं कुएं में। हाँ जेठ जी, क्या कहा तूने?
मैंने जैसा बो दिया बीज रीज के कर लूंगी आप कटाई, पर तने तो 20 ऐसा बोया है जो तेरे पे कटेगा नहीं। अच्छा कटेगा नहीं, ऐसा बीज बो दिया है तने। और तू भीम की बात करती है ना जी, भीम ने बुला ले, नकुल सहदेव ने, किसे ने भी बुला ले, दुनिया में कोई तेरा सहायक नहीं हो सकता, आज बच के नहीं जाएगी। अच्छा हाँ कही अपनी बात। बुलवाई गई तारने को तेरा जीर, नंगी जांग छोड़, नंगी जांग दिखाई जागी, देखेंगे सब नग्न शरीर, नंगी जांग दिखाई जागी, देखेंगे सब नग्न शरीर। हंसनी न मत ना छेड़े, चुप का हो जा काले कागे, हंसनी न मत ना छेड़े, चुप का हो जा काले काग। क्या कहा काले काग? हाँ और मेरे सामने मत आ नहीं तो। क्या कहा काले काग? काले काग झंडू, अब इसका काला काग चूच मारेगा। मार चूच नहीं चोच, प्यार में चूच कह दिया करते हैं। काले काग कह ले या काले नाग कह ले, हो रे मेरे हाँ? करे रे जिगर में घाव रे, करे घाव रे मेरे, करे रे जिगर में घाव, राम के नाम पर पिया सारे पुरस्कार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरे सामने मत आओ जेठ जी, नहीं तो ऊक चुक चोट लग जाएगी। ये क्षत्रिय हैं, लड़ने से मरने से डरते नहीं। अब क्षत्रिय पत्रिय कहीं नहीं रही, अब तो बस छत्री रहेगी खाली। अगर छत्रापन होता ना तेरे अंदर तो भरी सभा के अंदर एक अकेली औरत को देखकर ऐसे जबरदस्ती नहीं करता। अरे ये एक अकेली औरत कैसी? अकेली हूं मैं तो। दो बात कही है इसने, सदा ध्यान से सुनो एक बात। एक तो कही थी कि मैं अकेली औरत हूँ हाँ। और एक क्या कही थी कि अब छत्रापन तो खत्म, छत्री छत्री बच रही है बस हाँ। ऊपर वाली छत्री हाँ। और तुम हंस गए इसकी बात पर। और एक कह रही थी मैं अकेली औरत हूँ। अरे भाइयों ये कैसी अकेली औरत, न्यू बताओ। राजा दशरथ के कितनी रानी थी मेंबर साहब? कितनी थी? तीन। लिखित रूप में तीन थी, वैसे कितनी हो पता नहीं। राजा गोपीचंद की रागनी सुनाई थी मैडम कंचन यादव ने, राजा गोपीचंद को कितनी रानी थी? 16। मेंबर साहब 16 थी। तुमने ये तो दुनिया के इतिहास में पढ़ा होगा कि एक मर्द को कई औरतें हो सकती हैं, लेकिन दुनिया में कहीं ना सुना होगा ना पढ़ा लिखा होगा कि औरत एक और खसम पांच पांच ले।
करी हो ये आठ माजूबा देख लो दुनिया का आपके सामने खड़ा हूँ और हमें नहीं कह रही है छतरी छतरी बच रही है तेरी जब भी छतरी छतरी रह रही है तू इतना राजी मत हो और क्या कहा तूने कि औरत एक और खसम पांच पांच और खसम पांच पांच और सबसे बड़ी बात तो ये पांचों में भी एक ये भीम मोटे पेट का मैंने कहा था कि मैं अकेली औरत हूँ इसलिए कह रही थी कि मैं अकेली औरत हूँ इधर आ सच बताना तेरे कितनी रानी है सच बताना सबके सामने पता भाई वीर सिंह तेरे कितनी बहू हैं अनगिनत लेकिन देखो इनके तो चाहे कुछ भी हो नेत्र के गुड्डू के इनके ईमानदारी से द्रौपदी मेरे एक पत्नी थी वही है और वही रहेगी इधर आ फैसला करना इसके एक पत्नी थी एक है और वो ही रहेगी इसके एक पत्नी है जब इसकी खोपड़ी के आधे बाल उड़ लिए बेचारा गंजा इस द्रौपदी की हिम्मत देख जब पांचों ने झेल रही है और फिर तेरे से टक्कर ले रही चंडू और ले मेरे पांच पतियों के लिए पांच सौ रुपए का पुरस्कार सौ सौ रुपए का जूस पिलाऊंगी पांचों पतियों को भाई साहब वैसे ये गलत बात है तू सो के लाए क्या अब मेरे पांच पतियों को पांच दिए है ना पांच सौ कुछ कहना चाह रहे हम बे मुझे चूहे मारने की दवाई दे दो ले तू ही ले ले जा तू भी क्या याद रखेगा किस दिल फरियाद इंसान से तरफ पाला पड़ा था ले लखन सरपंच साहब ने सौ रुपए दे दिए जो का जुखाम खांसी हो रहा है दवाई ले ली ले इन्हें भी तू ही ले ले तेरा पेट भर जा वही बहुत है सुन ले मेरी बात हेलो रुक जा सरपंच तू तो जीता जागता उदाहरण इस बात का धन से और बॉडिया से झंडू किसी का पेट नहीं भरिया आज तक और भरिया हो तो बता दे और तेरा भरिया हो तो बता दे माइक दे इसे क्या धन से यानी कि पैसे पैसे और बहू औरत से और अगर किसी का पेट भरिया हो तो बता दे नहीं भरिया और ना ही भर सकता नकारे आले के दो भोला काले के दो पेट आले के दो बाजे आले के तीन पूरे तो जुलम हो रहा है जमा सतान लाग रहा हूँ मेरे तो एक के थी कई साल पहला माला गलवाई थी आज लगता के खान लाग रहा हूँ इधर आ तू तुझे क्या एनर्जी है उनके दो हो तीन हो तू बता तेरे तो एक नहीं बाल उड़ा दिए अगर दूसरी होती तो तू खसम सिंह होता क्या अब तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे है और काय काय करके पांचाली मारे सिर पे चढ़ रहे है अरे पागल इन बालों की तरफ क्या देखती है छोरा की और मेंबर की हमारी जवानी देख ये तो ऊपर वाले की मेहर है हमारे थोड़े से उड़ रहे हैं और फिर चिंता किस बात की अपना दिल बहला देंगे रुपए तो थोड़े लगेंगे आपके लिए एक बढ़िया सी पिग मंगवा देंगे बालों वाले अरे किसको शिक्षा दे रहे हो पिया जी इसको ये नहीं पता पिग किससे कहते हैं यानी की बाल बालों की वो आती है ना टोपी 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 हाँ टोपी आती है मेरी बात सुनिए आप कहते हो कि आपके जिगर में घाव हो रहे हैं ये जो झंडू की मोच है ना ये भी नकली लगी हुई है नकली नकली नहीं है ये नकली मुछे नहीं है झंडू झंडू तो कोई नकली सामान रखता ही नहीं ओरिजिनल ओरिजिनल मैं तो साथी भी रखता हूँ तो ओरिजिनल देखो मेरे साथी कलाकार सारे आप भी शामिल हो आप भी तो कलाकार हो साथी कलाकार मेरी बात सुनिए खून की भेंट वीर के संग बैरा किया डूब के मराना जेठे और वीर के संग बैरा किया डूब के मराना जेठे पर मन नहीं
सहाची इज्जत तारी तेरा दुंगा नखड़ा जाड़ रानियों की पांडी रहले जन्म जन्म की मत जाड़ रानियों की पांडी रहले जन्म जन्म की मत जाड़ हो देखा जेठे बहु का बैर देखा जेठ बहु का बैर खेरे पांचाली जी जेठ वैसे तो तू जिस दिन से हमारे हस्तनापुर में आई है तने कभी चैन का सांस नहीं लेने दिया, सुख की एक रोटी नहीं खाने दी। अरे न्यू बता क्यों झूठ बोल रहा है, सुबह सुबह तो 5 टिक्कर खा गया तू बेहुदी बेहया। हमारे आदरणीय श्योचंद सरपंच साहब, लाला ठेकेदार जी, यानी कि चारों भाइयों ने 3 लाख रुपए पहले जो गौशाला में सहयोग किया है, 3 लाख रुपए का सहयोग पहले और 21,000 रुपए आज, और भाई 500 रुपए फिर से हमारे लिए। तालियां बजा दीजिए चारों भाइयों के लिए, सोचन सरपंच साहब और उनके भाई। 3,21,000 टोटल हो गई राशि। जिले सनौप राममेहर ढाणी वाले चारों भाई भतीजों की तरफ से 500 रुपए हमारे लिए दिए गए हैं, और भाई 51,000 रुपए जो मैं पहले बोल चुका हूं गौशाला में दान दिए हैं चारों भाइयों का, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू बता पांचाली, जेठ के गैलिया मस्करी करने में, जवाब तलब करने में तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आती? तेरी माँ ने तेरे बाप ने कुछ सिखाया तुझे? खामोश। क्यों? मेरी माँ और मेरे बाप के बारे में अगर एक भी शब्द निकालना, चल नहीं बोलेंगे तो यूं बता, तेरा कोई गुरु है? है। कौन है? मेरा गुरु है हाँ। लेकिन बताने में शर्म आवे। ओहो, ये तो बाबा राम रहीम की चेली है, बताने में शर्म आ रही है। हेलो, ना 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 ना, तो फिर न्यू क्यों कह रही थी कि बताने में शर्म आवे है? मैं नहीं बताना चाहती। नहीं बताना चाहती? नहीं। मत बतावे, मैंने अंदाजा लगा लिया। क्या? या तो तू वाकई राम रहीम की चेली है। नहीं। और अगर तू राम रहीम की नहीं चेली नहीं है तो तू राधे माँ की शिष्या है। राधे माँ? नहीं, आपकी सोच गलत है। और राधे माँ का इंतजार जेल में राम रहीम जी कर रहे हैं। और क्या, तुझे ही तो बताया उसने। तुम बताओ, तुम्हारा कोई गुरु है? है। कौन है? नहीं बताता। मत बतावे। जैसे तेने अंदाजा लगा लिया ऐसे मैंने ही लगा लिया। तेने क्या अंदाजा लगाया? तेरा भी कोई अच्छा गुरु नहीं हो सकता। और तू तो सबसे बड़े गुरु का चेला है। कौन से के? तू आसाराम का चेला है। नो नो, ओ इंग्लिश बोलता है? नहीं, मैं अंग्रेजी आती है? यस। कितनी? बस यही उम्मीद थी तुझसे। झंडू और हम इतने ही पढ़े लिखे हैं। अच्छा नहीं कर रहे हो मेरे साथ, भरी सभा के अंदर बुलवा कर, और तुम कहते हो कि मुझे लज्जा नहीं आती जेठ के साथ मजाकरी करने में, बातचीत करने में। अरे शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। मैं एक बेटी के समान हूँ और बेटी के समान बहू को भरी सभा के अंदर नाचने के लिए कह रहे हो, अपनी जांघ पे बैठने के लिए कह रहे हो, पाई चंगा पे बिठा के और तुझे नग्न करके तब तेरा नृत्य देखा जाएगा। बेजंगे पे बिठा के हाँ तेरी जांघ तोड़ दूंगी। ये जांघ ना
लोहे की बनी ओढ़ है। हम मैं चुर्रमुर्र कर दो नहीं तेरे। अच्छा खांसी तो हो रही है, आवाज ही तो ठीक ना है, हाथ पैर ठीक है। हरी बैठी है पंचांग दुशासन, ए दुशासन कहिए भाई, इस पंचाली को नग्न कर दिया है। पंचाली आज आई है मेरे चंगुल में, छोड़ दे और बेझिझक हो कैसे नग्न कर दे, फाड़ दे। मेरे साथ ये दृष्ट दुमन भी है धराजा, क्या नाम है इसका तुझे ही पता होगा, ये दृष्ट दुमन है, इसका नाम कहते दृष्ट दुमन है। नहीं कहना चाहती मैं अपनी जुबान से ऐसा गंदा नाम नहीं लेना चाहती। तेरी जीव का ऑपरेशन किया जाएगा। अरे तू शासन तू चीर तार हरैया के मैं बढ़ाते हाथ, तू शासन तू चीर तार ले आगे लाल लाल स्वर्ण की